क्या रामायण काल्पनिक है? इज रामायण जस्ट अ मिथ? वेल, आजकल तो फिल्म्स में भी रामायण को अनरियल बताया जा रहा है। आदि पुरुष में रावण को एक टिपिकल अनरियलिस्टिक विलन की तरह दिखाया जा रहा है, जो रावण कम और एक मुगल इन्वेडर ज्यादा लग रहा है। पुष्पक विमान को चमकादर बना दिया गया है, सोने की लंका को कुछ और ही दिखाया जा रहा है, हमारे हनुमान जी को मुगल बना दिया गया है। वेल, रामायण को इन लोगों ने एक कार्टून बना दिया है। रामायण कोई कार्टून नहीं है, ये सनातन धर्म का प्रमाण है। इट वॉज अ रियल इंसिडेंट विच हैपेंड इन पास्ट। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ टू प्रूव दैट रामायण वॉज 100% रियल। सो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। सबूत नंबर 1, भगवान राम की जन्म तारीख है 10th of January 5114 BC। श्री राम चैत्र महीने के 9th तिथि पर पैदा हुए थे इन द डे टाइम, और उस वक्त प्लैनेट्स और स्टार्स के पोजीशन का जिक्र ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में है। जब इन इंफॉर्मेशन को अमेरिका के प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला गया, तब हमें पता चला कि प्लैनेट्स और स्टार्स की ऐसी पोजीशन 10th of January 5114 BC को हुई थी, और वो भी दोपहर के टाइम में। और जब इस डेटा को लूनार कैलेंडर में कन्वर्ट किया गया, तो गेस व्हाट, वी गॉट द एग्जैक्ट डेट विच इज शुक्ल पक्षाज 9th डेट इन द मंथ ऑफ चैत्र, एंड दैट टू बिटवीन 12 to 1 PM। इजंट दैट फैसिनेटिंग? अब आप लोग बोलेंगे कि रामायण तो त्रेता युग में हुई थी, विच वॉज अराउंड 1.3 मिलियन ईयर्स अगो। बट गेस वॉट, जब इन्हीं एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस को 5000 BC से पहले ट्रेस करने का प्रयास किया गया, तब हमें पता चला कि प्लैनेट्स और स्टार्स की ऐसी पोजीशन 1 मिलियन ईयर्स पहले भी हुई थी। सबूत नंबर 2, रामायण के अकॉर्डिंग रावण के महल की पहरेदारी 4 tusks वाले हाथी किया करते थे, और ये कोई माइथोलॉजिकल क्रिएचर नहीं है। ऐसे जीव 1 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे, जिन्हें आज हमारे साइंटिस्ट गॉम्फोथरीस के नाम से जानते हैं। सबूत नंबर 3, अब साइंस से हम थोड़ा निकल कर बाहर आते हैं, एंड लेट्स लुक ऑन टू सम प्रूफ्स दैट स्टिल एग्जिस्ट। चेन्नई एंड श्रीलंका में आज भी कुछ ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो पानी पर तैरते हैं, और इन्हीं पत्थरों के द्वारा राम सेतु को बनाया गया था। श्रीलंका में अभी तक अशोक वाटिका मौजूद है, जहां रावण ने माता सीता को रखा था। श्रीलंका की मिट्टी अभी भी काली है, विच लुक्स लाइक एश फॉर्म्ड आफ्टर बर्निंग। एंड वी ऑल नो कि हमारे हनुमान जी ने रावण के महल को अपने पूछ से जला डाला था। सबूत नंबर 4, हनुमान जी का अभी भी जिंदा होना। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया था। द्वापर युग में भी हनुमान जी का कई बार जिक्र होता है, जब उन्होंने भीम और अर्जुन का घमंड तोड़ा था। एंड कलयुग में भी हनुमान जी तुलसीदास से मिले थे, और आज भी वो इसी धरती पर मौजूद हैं। एंड लास्ट में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि रामायण इज नॉट अ माइथोलॉजी, इट्स आवर हिस्ट्री विच इज 100% रियल। गाइस, हमारे ग्रंथ वेद उपनिषदों का मजाक बनाया जा रहा है, हमारी हिस्ट्री का मजाक बनाया जा रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे सनातन धर्म का मजाक बनाया जा रहा है। इट इज हाई टाइम दैट वी शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर धर्म एंड मस्ट टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट आवर सनातन धर्म। कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।